हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, सुबह का टाइम है और सुबह के भी देखिए टाइम पता नहीं कितना बजा है, लेकिन सुबह का ही टाइम है। लंच बना के मैंने बच्चों के लिए पैक कर रही हूँ यहाँ पर, और पैक कर दूँगी, इसके बाद भेज दूँगी बच्चों को स्कूल, और फिर अपने घर के काम है वो करूँगी। तो यहाँ देखिए बच्चों का लंच बना के और मैंने दे दिया था, और बच्चे गए स्कूल। उसके बाद में मैं बच्चों को छोड़ने के लिए गई थी बाहर तक, क्योंकि कंपनी का जो है ताला खोलना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर लगा के आना पड़ता है, तो इसलिए मैं बाहर तक गई थी छोड़ने। तो बच्चे स्कूल गए, इसके बाद मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा पी रही पानी। तो सुबह देखिए टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, मतलब लंच बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि बाद में पीऊँगी आराम से, जब बच्चों को स्कूल भेज दूँगी उसके बाद में। तो अभी देखिए अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो मैं अभी गर्म पानी पी लेती हूँ यहाँ पर। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने खाना पीना बना लिया है, और मेरे सिर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, तो इस वजह से मैं देखिए खाना बना के जल्दी से और लेट गई जाके, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। और उसके बाद में खाना बन चुका और मैंने यहाँ पर रख दिया था, तो मैंने सोचा अभी मुझे आराम मिल जाएगा, फिर मैं जो काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी टेबल की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और यहाँ पर सारा खाना रखा था मैंने उधर रख दिया, और साफ़ करके फिर से यहीं पर रख दूँगी। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो कभी कभी तो जो है दो बार साफ़ करनी पड़ती है। तो अभी देखिए टेबल साफ़ कर दिया और यहाँ लगा दिया खाना, और उसके बाद मैं कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो डस्टिंग होती है वो कर लेंगे, उसके बाद में पोछा लगाएंगे। हमारे जो कांच है तो इसको भी मैं साफ़ करके और फिर जो है मैं पोछा लगाऊंगी। तो देखिए डस्टिंग का काम हो चुका है, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं अच्छे से जुड़ा, क्योंकि खुल गया था तो अभी वो बस थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये काम कर लूँ और फिर लगाएंगे। तो देखिए अभी मैंने लगा लिया क्लच है, तो इसको लगाने के बाद अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो घर में कितना सारा काम हो जाता है सुबह से लेके, मैं सच में थक जाती हूँ, अकेले इतना सारा काम करना पड़ता है। और इसके बाद में भी सच पूछो तो उसके बाद में खाना पीना बनाओ, झाड़ू पोछा से लेके सब कुछ करो, फिर कपड़े लत्ते, बहुत काम हो जाता है घर में। तो फिर भी जो है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, करीबन कभी कभी 5 बजे भी उठ जाती हूँ, 5:30 बजे या 5:45 बजे भी, 6:15 भी बज जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। तो देखिए अभी मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका है, फिर मैंने सोचा चलिए मैं हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता है पानी पीने तक का, तो तैयार होने की तो बात ही अलग है, क्योंकि सुबह इतना जल्दी पड़ती है, क्योंकि खाना बनाने से लेके सारा काम सुबह सुबह का होता है, तो इस वजह से सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो फिर सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिलता है तब जाके हम जो है तैयार वैयार होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से मैंने अभी वैसे ही क्लेच लगा लिया जैसे अभी लगा हुआ था, पर अभी मैंने सुबह बाल को धुले थे तो बालों में मैंने तेल नहीं लगाया था, तो इस वजह से वो ज़्यादा रूखे सूखे थे, तो इसीलिए वो ज़्यादा ऐसे दिख रहे थे। अभी मैंने तेल डाल के बाल को बांध लिया और मैं तैयार हो गई हूँ, सिंदूर विंदूर सब कुछ लगा लिया है। और यहाँ पर अभी देखिए मैं पहन लेती लाल लाल चूड़ियाँ जो अभी नवरात्रि के दिन में पहनी जाती हैं, तो नवरात्रों में ये लाल चूड़ियाँ भी पहनी जाती है, मतलब लाल साड़ी भी पहनी जाती है, ऐसा माना जाता है। तो मैं भी यहाँ पर अभी नवरात्रि के 5वां 6वां दिन है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं जो है चूड़ी पहन लेती हूँ, ये रखी हुई हमारी जो नई चूड़ियाँ हैं, तो मैंने इस बॉक्स में रख दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लेती आज, और लाल साड़ी नहीं पहनी पर लाल ब्लाउज तो पहन लिया। इस साड़ी का ब्लाउज मैंने नहीं सिला है, तो इस वजह से मैंने इसको लाल वाला ही पहन लिया। तो नवरात्रि के दिन में ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है, कि अच्छा माना जाता है लाल कपड़े पहना, क्योंकि मैया जी वैसे भी जो हमारी दुर्गा माँ है वो भी लाल कपड़े ही पहनती है, तो इसीलिए
और कहावत भी कहते हैं कि हमें लाख हमेशा सच समर के और खुशहाल ऐसे ही रहें घर में तो ज़्यादा बरकत आती है, क्योंकि महिलाएं अगर हमेशा गुमसुम रहें या घर में लड़ाई झगड़ा कर किला क्लेश बोलते हैं वो अगर रहता है तो घर में कभी बरकत नहीं होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा खुश रहें और अच्छे से सच समर के रहें, घर को भी अच्छे से संभालें तो हमेशा घर में बरकत रहती है ऐसा माना जाता है। तो मैं भी देखिए कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं भी अच्छे से रहूँ, तैयार होके जितना काम है उतना कर लूँ, और सुबह तो मतलब टाइम नहीं मिलता है और लेकिन जब बाद में मिल जाता है तब तो हम अच्छे से रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी जो है कोशिश यही करती रहती हूँ कि पहले नहीं कर पाऊँ लेकिन बाद में करूँ, करेंगे हम जरूर। तो देखिए मैंने सारा मतलब कि तैयार हो गई थी, उसके बाद में मैं अभी काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ तो शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी मैं देखिए शाम की पूजा रूटीन वो भी कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने देखिए हाथ पाँव धो करके और उसके बाद में मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने नाइटी पहन लिए भी, और नाइटी पहनने के बाद तो मैं देखिए अभी पूजा पाठ करके आई हूँ। तो शाम को मैंने दिया ये जलाया, उसके बाद में भगवान को मैंने दूध दिया, सब कुछ करके मतलब आ गई इधर। तो मैंने सोचा अभी मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, जो कि लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ जो मेरे घर में बहुत ही पसंद आती है, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ जैसे वैसे, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती है। मतलब ऐसे कह लीजिए कि ये लौकी की भुजिया है ऐसे मान लीजिए, तो मैंने भुजिया ही बनाई है। तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, बाकी के जो मसाले थे वो डाले और मैंने अपना सीक्रेट मसाला डाल दिया जो हम हर सब्ज़ी में यूज करते हैं, इसके बिना तो जो सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मसाला डालेगा और सब्ज़ी मैंने छौंक दी। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सा लगाया आटा, क्योंकि अभी बन रही है खिचड़ी, तो बच्चों को खानी है खिचड़ी, तो इसलिए मैं खिचड़ी बनने के लिए रखती है, और लौकी भी बन रही है, थोड़ी सी बनाऊंगी रोटी। तो इसीलिए अभी देखिए मैंने थोड़ा सा आटा लगा के और कर लेती हूँ झटपट से रोटी, और फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ दोस्तों। तो हम थोड़ी सी रोटियाँ बनाएंगे तो झटपट से हम बना लेते हैं, और उसके बाद में मेरी खिचड़ी जो मैंने छौंक दी थी तो खिचड़ी में हमारी बन रही है, तो इस पे रखी हुई थी मैंने उधर रख दी, मैंने कहा इस पे हम रोटी बना लेंगे जल्दी से, तो इसलिए मैंने उधर रख दी, और उस पे धीरे धीरे लगेगी मतलब सीटी देर में लगेगी, तब तक हमारी जो रोटियाँ भी बन जाएंगी। तो मेरी जो कुकर है ना इसका ढक्कन की जो सीटी है वो बहुत ढीली हो चुकी है, इसमें जल्दी से सीटी नहीं लगती, तो इस वजह से उसमें बहुत टाइम लगता है सीटी लगने में, तो उसको लगानी पड़ती है तब जाके वो सीटी लगती है। तो चलिए यहाँ पर मैं देखिए रोटी बना ली है और यहाँ पर लगा देती हूँ आप सभी के लिए थाली। तो देखिए हमारी जो सब्जी है कितनी अच्छी बन गई तैयार हुई है, देखिए आप सभी देख लीजिए बहुत ही बढ़िया भुजिया बनी है। मेरे घर में ना इसी तरीके से सब्जी बनती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है सच में।